30 और 50, 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट हाउस डिज़ाइन। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। सिर्फ ये बिल्डिंग का एरिया है, प्लॉट एरिया इससे भी ज़्यादा है। आपको सिर्फ बिल्डिंग एरिया हमने यहाँ पर शेयर किया है। देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट हमने किया है, तो 5 इंच का वॉल यहाँ पर 125 mm वॉल यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है। तो जो प्लान है इसका साउथ फेसिंग प्लान, थोड़ा सा हमने इसके अंदर वास्तु भी अप्लाई किया है। तो साउथ फेसिंग, इसका बैक साइड नॉर्थ फेस, नॉर्थ साइड, ओके। इसका जो लेफ्ट साइड वेस्ट साइड, तो हमने जितना हो सके इसके अंदर वास्तु अप्लाई किया है। बाकी जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके पास कितना जगह मिल रहा है, वास्तु के हिसाब से आप उसको ऐसे डिज़ाइन, अगर आप कुछ आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका जो प्लॉट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास, और उसके हिसाब से आपका अगर रिक्वायरमेंट इस ड्राइंग के साथ सही ही मिल गया तो आप इसको देख के घर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे, फ्रंट साइड में ऐसे रखेंगे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ येलो कलर इस्तेमाल करेंगे ऐसे, ओके, ऐसे कलर ऐसे हम यूज़ करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करना है। डिटेल्स क्या है देखें, इधर जो है 30 फीट 0 इंच, 50 फीट 0 इंच, 30 × 50 = 1500 स्क्वायर फीट, तो हम पहले इससे पहले यहाँ पर डोर, यहाँ पर भी विंडो आएगा, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, ओके, इधर भी हाईलाइट करेंगे, नेक्स्ट इधर भी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद हमें करना है इसका जो कुछ डोर 3 फीट वाइड, हम इसको डोर यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर 4 रूम बेडरूम 3 और एक यहाँ पर रेस्ट काम, यहाँ पर वेंटिलेटर, किड्स रूम, बच्चों के लिए एक रूम यहाँ पर हमने यूज़ किया है। यहाँ पर रहेगा डोर। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमें गेट मिलेगा, मेन गेट, यहाँ पर पोर्च, एंट्री, यहाँ पर आप आर्च यूज़ कीजिए, यहाँ पर डोर, यहाँ पर एक वेटिंग एरिया, किचन, यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर, हम इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इधर तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विंडो, डोर, डोर,
बेडरूम 15 फीट और इधर 12 फीट। नेक्स्ट किचन 10 फीट एंड 7 फीट। बैल्कनी 4 फीट वाइड, यहाँ पर ओपन स्पेस। ट्वेल्व फीट 4 इंच एंड 10 फीट। वेटिंग एरिया 6 फीट 4 इंच। पोर्च एरिया 4 फीट 8 इंच एंड इधर 7 फीट। नेक्स्ट यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन टॉयलेट स्टेयर अप पर ओपन। पूजा रूम 9 ईस्ट कॉर्नर। ओके, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यहाँ पर। नेक्स्ट ड्रॉइंग प्लस लिविंग एरिया 9 ईस्ट कॉर्नर। ओके, ओपन स्पेस लैंडिंग। ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट 12 फीट एंड 13 फीट एंड 11 फीट 6 इंच एंड 13 फीट। पूजा रूम 4 फीट 10 इंच एंड 8 फीट। ओपन स्पेस यहाँ पर जो रहेगा इससे यहाँ पर 3 फीट 7 इंच डिस्टेंस, यहाँ पर 17 फीट 2 इंच इधर टोटल डिस्टेंस और इधर 14 फीट 11 इंच। ओके, नेक्स्ट किड्स जो रूम है यहाँ पर 8 फीट 7 इंच, छोटा सा एक रूम। यहाँ पर विंडो 6 फीट 6 इंच एंड इधर रहेगा 10 फीट। नेक्स्ट यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन 8 फीट एंड 5 फीट, 3 फीट 6 इंच एंड 5 फीट। स्टेयर एरिया यहाँ पर 3 फीट वाइड। ओके, नाइन फीट 8 इंच इधर टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर 11 फीट 4 इंच टोटल डिस्टेंस। इसके ऊपर कुछ कॉलम हम ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 नंबर्स कॉलम। यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉलम आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, इनसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, कॉलम यहाँ पर
10 बाई 12 इंच, बाकी जगह वेरी करेगा कहाँ पर आपका ज़्यादा डिस्टेंस है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल स्क्वायर फीट और इस कॉस्टिंग यहाँ पर आएगा, इस प्लान वाइज आप घर बनाएंगे तो आपको 25 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यही था प्लान डिज़ाइन, आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।